हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IEEE PGT बायोलॉजी 2000 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले 180 जो क्वेश्चंस हैं मैं पहले वाली वीडियोस में आपको करवा चुके हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, बतानी है इनकरेक्ट रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? फर्स्ट है गेंग्लिया लोकेटेड एट इंटरफेस ऑफ टू बॉडी सेगमेंट्स, नर्व कॉर्ड्स बाइफरकेट्स एट एंटीरियर रीजंस, नर्व कॉर्ड इज पेयर्ड एंड प्रेजेंट वेंट्रली, इंटीरियर नर्व रिंग इंक्लूड्स सेरिब्रल गेंग्लिया। ठीक है, तो ये जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जो गैंग्लिया होते हैं वो इंटरफेस पर प्रेजेंट नहीं होते, जबकि थर्ड बॉडी सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो गैंग्लिया होते हैं वो थर्ड बॉडी सेगमेंट्स में होते हैं। नर्व कॉर्ड्स जो है एंटीरियर रीजन पर बाइफरकेट्स हो जाते हैं, नर्व कॉर्ड्स पेयर्ड में होते हैं और वेंट्रली प्रेजेंट्स होते हैं, और एंटीरियर नर्व रिंग्स जो है सेरिब्रल गैंग्लियन में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आएगा गैंग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 82 रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेल, कितने जो है ह्यूमन टाइप नेल स्पर्म जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं मेल द्वारा। तो जो टाइप्स के लिए होता है उसकी उसका फॉर्मूला होता है 2n। ठीक है, अगर बात करें 2n = 48 तो n कितना हुआ यहाँ पर 23, तो 2n का फॉर्मूला होता है टाइप्स ऑफ स्पर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2n, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 23, तो आंसर रहेगा 2 की पावर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर इन प्लांट्स, रीजन क्या हो सकता है रूट प्रेशर जो है प्लांट्स के अंदर क्रिएट होने का? पहला पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बोथ एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, या इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से प्लांट के अंदर रूट प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इनहिबिट CDK एक्टिविटी। CDK की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। तो इसके ऑप्शंस है एसोसिएशन विद साइक्लिन, फॉस्फोराइलेशन एट टायरोसिन एंड 15 एंड टायरोसिन 15, डीफॉस्फोराइलेशन एट टायरोसिन 15 एंड 14, फॉस्फोराइलेशन एंड थ्रियोनिन 161। तो एसोसिएशन ऑफ साइक्लिन के साथ तो हमें पूछा है इनहिबिट कौन करता है, CDK की एक्टिविटी को हमें बताना है, इनहिबिशन बताना है। तो साइक्लिन के साथ तो इसकी जो एक्टिविटी होती है एसोसिएट करने पर उल्टा इंक्रीज होती है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। फॉस्फोराइलेशन एंड टायरोसिन एंड 14, आप लोग जानते ही हैं जो टायरोसिन और 14 और 15 है वो क्या होती है? इनहिबिटरी पोजिशन है। ठीक है, तो जब WEV1 होता है ये एक एंजाइम होता है, काइनेज एंजाइम होता है, वो फॉस्फोराइलेशन कर देता है टायरोसिन 14 एंड 15 पर, ये इनहिबिटरी पोजीशन होते हैं। इनहिबिटरी पोजीशन पर जो है फॉस्फोराइलेशन होना मतलब इनहिबिट करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। डीफॉस्फोराइलेशन उल्टा अगर इनहिबिटरी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया तो जो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ना कि डिक्रीज। फॉस्फोराइलेशन एंड थ्रियोनिन 61, थ्रियोनिन 61 अगर आपको याद हो तो ये है एक्टिवेशन पोजीशन। इसका जो पूरा टॉपिक है ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है सेल साइकिल रेगुलेशन की एक्टिविटी के अंदर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हो, बहुत क्लियरली मैंने टायरोसिन 14 15 थ्रियोनिन 16 ये सारी जो है एसोसिएशन की बात करी है, सारा CDK एक्टिविटी की जो है प्रूफ किया है। तो इसका सही आंसर आएगा फॉस्फोराइलेशन एंड टायरोसिन एंड 14 15 पर, इसकी वजह से जो है CDK की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दैट इज कोयर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्लांट। कोकोनट कोयर क्या होता है? रस्सी होती है। तो ये किससे मिलता है हमें? फ्लोएम, एपिकार्प, रूट्स एंड मीसोकार्प। इसका करेक्ट आंसर है मीसोकार्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिजल्ट्स इन लीव एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लांट्स। तो बहुत ईजी है, तो जो एब्सिसिक एसिड होता है उसकी वजह से जो है एब्सिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द फॉलोइंग सेल एजेक्शंस आर प्रेजेंटेड इंटरकलेक्टेड डिस्क। इंटरकलेक्टेड डिस्क की बात करें तो यानी दो डिस्क जो सेल जंक्शन यानी सेल सेल के बीच में डिस्क प्रेजेंट होंगी, तो एक तरह से मैट्रिक्स के साथ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है,
गैप जंक्शन की बात करें तो वहाँ पर इंटरकलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट्स होती है, एड्रीन के अंदर भी होती है, डेस्मोसोम्स में भी होती है। टाइट जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन के अंदर जो है डिस्क नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। टाइट जंक्शन में क्या होता है, सेल टू सेल जंक्शन होता है, जो सेल टू सेल बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सेल जंक्शंस टाइट जंक्शंस कहते हैं। तो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं, वहाँ पर कोई स्पेस ही नहीं होता कि वहाँ पर कोई डिस्क आ सके। इसका सही करेक्ट आंसर होगा डेस्मोसोम एड्रिन एंड गैप जंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव एपिप्टोसिस, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम बात करें, नॉर्मल डाइहाइब्रिड रेशियो बात करते हैं तो 9:3:3:1 होता है, लेकिन रिसेसिव की बात कर रहा है। रिसेसिव का मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग दो जीन लेके चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज में इसमें एक तो ये हो सकता है, दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अंदर ये भी फॉर्म हो सकती है, छोटा होगा ये भी, सॉरी, ये जो होता है 9 होते हैं, ये वाले जो जो होते हैं 3 होते हैं, और इसकी बात करें तो ये जो कौन से होते हैं 3 होते हैं, और ये वाला कौन सा होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें जैसे ये 9 होता है, यहाँ पर तो जो W है वो बड़ा है। रिसेसिव जीन्स अगर बात करें तो ये वाला होगा रिसेसिव कंपोनेंट जो होगा, ठीक है। ये वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसेसिव है और यहाँ पर रिसेसिव, यहाँ पर तो डबल बड़ा W जो है बड़ा हो जाएगा, तो ये 9, तो 9 के लिए अलग कलर हो जाएगा, ये दोनों है सेम कलर के हो जाएंगे, तो इसके अंदर क्या रहेगा 3:4। तो इसके लिए कौन सा जो है रेशो रहेगा, 9:3:4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिजल्ट इन द डिफॉरेस्टेशन, कि कौन सा फैक्टर जो डिक्रीज होने पर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन तो इंक्रीज होगा तो डिफॉरेस्टेशन होगा, लैंडस्लाइड भी इंक्रीज होगी तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी की बात करें तो सॉइल फर्टिलिटी का कोई फैक्टर ही नहीं है डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, तो रेनफॉल का डिक्रीज होने से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ जो है उखड़ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्टर्स वॉज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ एडीनोसिन डीएमिनाइज जीन्स टू द एसाइड पेशेंट्स इनिशियली, ठीक है। हर्पी वायरस, रेट्रोवायरस, एडीनो वायरस या एडीनो एसोसिएटेड वायरस, इसका करेक्ट आंसर है रेट्रोवायरस, दैट इज आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आरएनए से हुआ था ये, +2 के एनसीईआरटी में जो हमने दिया हुआ है बहुत अच्छे से इसमें जो है टॉपिक करवाया गया था कि फर्स्ट अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ही कर दिया जाए तो ईजिली ट्रांसप्लांटेशन ईजिली जो है क्योर ये डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिनॉल इन द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन टेक्निक, टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स, टू डिजोल्व आरएनए, टू मेक विजिबल ग्रेडियंट, टू डिजोल्व डीएनए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स वाटर से जो है डरते हैं, ठीक है, द हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो वाटर से डरने वाले, तो उन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट आउट करने में हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं, वाटर का वहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बीटी क्रॉप इन द इंडिया, तो बहुत ईजी है ये, बीटी कॉटन, ठीक है। बाकी जो है बाद में बने थे, सबसे पहले बीटी कॉटन बना था, दैट इज बैसिलस थुरिंजेंसिस कॉटन। फिर बात करते हैं, एपोस्पोरी कैन बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म, टाइडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे तो इधर आना चाहिए था, इन विच ऑफ द फॉर कैन बी ऑब्जर्व फर्स्टली, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा फर्स्टली, ये जो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर जो फर्स्टली कहाँ पर ऑब्जर्व करी गई थी, एपोस्पोरी, एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्पोरोफाइट से जब हमें मिलते हैं, ये स्पोर से हमें मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। एल्गी में बात करें तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है मेन डोमिनेंट फेस होता है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पर भी स्पोरोफाइट होता है, ट्राइडोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट होता है और जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट होता है, और एक होता है ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के अंदर भी गैमेटोफाइट स्टेज होती है, बट यहाँ पर जो फर्स्टली सबसे पहले आई थी वो आई थी ट्राइडोफाइट्स के अंदर, तो सबसे पहले एपोस्पोरी जो ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था ट्राइडोफाइट्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्रैंजोनोटमी, C3 प्लांट, C4 प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट्स एंड एल्गी, तो इसका सही आंसर रहेगा C4 प्लांट्स, ठीक है। क्रैंजोनोटमी की बात करें तो दो तरह के यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं,
तो उसको हम लोग क्रैनजेनोटमी बोलते हैं, जो कि सी फोर प्लांट्स में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द साइंटिस्ट प्रूव दैट ऑक्सीजन इज रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन? ब्लैकमैन, रॉबर्ट पर्सन्स, डेलियन आई गार्नर एंड रॉबर्ट हिल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रॉबर्ट हिल। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स आर पॉसिबल बाय एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू आर? ठीक है, तो इसके अंदर अगर हमें फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए बहुत ईजी फॉर्मूला है, टू की पावर एन। यहाँ हैन की बात करें तो ये हेट्रोटाइप्स के कह सकते हो जीन्स होते हैं उनके लिए होता है। यहाँ बात करें हेट्रोटाइप कौन से होते हैं, एक दो हेट्रोटाइप पेयर कौन सा होता है, तीन, ये तो यानी थ्री पेयर है तो टू की पावर थ्री। तो आंसर क्या रहेगा, टू इंटू टू इंटू टू दैट इज एट। तो आंसर क्या रहेगा इसका, एट। याद रखिएगा एन जो है हेट्रोटाइप के लिए यूज होता है, ना कि होमोफाइट के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी सी बड़े वाला और डब्लू डब्लू और आर आर होता तो टू की पावर हम लोग टू लेते, क्योंकि ये हेट्रोटाइप नहीं था, ये होमोटाइप बन जाता। होमोटाइप के लिए हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम लोग सिर्फ गैमेट्स के टाइम पर अगर हम चेक करते हैं तो हेट्रोटाइप ही चेक करते हैं, हेट्रोगैमेट चेक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लांट विद जीनोटाइप पी डब्ल्यू डब्ल्यू विल बी प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंटल प्लांट्स ऑफ जीनोटाइप दिस? मान लीजिए ये कहा कि ये पेरेंटल थे और हमें ये वाले जीन की प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप में निकालनी है। ठीक है, याद रखिए जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें। तो अगर हम इसके जीन्स की बात करें तो इसके कौन कौन से बनेंगे, इसके गैमेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो पी डब्लू, ठीक है, पी छोटा डब्लू, पी डब्लू एंड पी डब्लू। और इसकी तरह से बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बना के देख लेते हैं ये वाला प्रोसीजर में किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसके जो बात करें तो पी डब्लू, अच्छा इसको हम लोग मल्टीप्लाई वैसे हम करने की जरूरत नहीं थी ये वाला, और कौन सा रहेगा पी डब्लू एंड पी डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं तो ये कौन सा रहेगा पी पी डब्लू डब्लू। ठीक है, इसके अंदर पी पी डब्लू डब्लू। ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा फिर हमारा, दूसरा अगर हम इसके साथ बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा पी पी डब्लू डब्लू, तो ये भी हमारा नहीं है, इसमें पी पी डब्लू डब्लू छोटे वाला। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो पी पी डब्लू डब्लू कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से एक और निकाल सकते हैं पी पी, इसके लिए कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, और इसके लिए बात करें तो यहाँ पर कौन सा आएगा पी पी स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो और यहाँ पर कौन से बनेंगे पी पी स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ कितने बने, आठ बन गए हैं, और आठ में से अगर हम लें तो एक तो टोटल एट कर लेते हैं यहाँ पर, एक तो ये रहा वन, ठीक है, और टू सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर छोटे वाला आएगा तो ये जो है इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है दो ही ऑप्शन हमारे बनते हैं, यानी कितना हुआ 2/18, 2/18 की बात करें तो आंसर कितना आया 1/4, तो आंसर विल बी द 1/4। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की।
ठीक है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक्सेप्शन है आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट। वैसे तो नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस की बात करें नॉर्मल सेल्स में तो वहाँ जो होता है पाइरवेट होता है, ठीक है, बट आरबीसी के अंदर बात करें तो यहाँ पर होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा लैक्टिक एसिड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच एक्सपेरिमेंटल मॉडल वर यूज बाई बोवरी एंड सेटन टू गिव एक्सोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहला है ग्रास होपर एंड सी अर्चिन, ग्रास होपर, सी अर्चिन एंड ग्रास होपर रिस्पेक्टिवली एंड सी अर्चिन। ठीक है, तो बोवरी और सेटन ने अलग अलग जो है क्रोमोसोम थ्योरी, तो होती तो एक ही किया है बट इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंटल करा था। बोवरी ने जो है सी अर्चिन पे किया था और सेटन ने जो है ग्रास होपर पे किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल साइकिल स्टेज कोहेशन कॉम्प्लेक्सेस एस्टेब्लिश इन द न्यूक्लियस। एस फेज, जी वन फेज, एम एंड जी वन फेज एंड एम फेज। तो कोहेशन कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करें, कोहेशन होता क्या है, ठीक है, इट इज़ अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो ये को क्या करता है, जो दो क्रोमोसोम होता है उसकी जो दो क्रोमेटिड्स होती है उनको आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है, कोहेशन। ठीक है, कोहेशन प्रोटीन क्या करता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करता है। और अगर हम बात करें डुप्लीकेशन कब हुई थी, डीएनए डुप्लीकेशन कब हुई थी, तो जब डीएनए डुप्लीकेशन हुई थी तो उसी टाइम जो है क्रोमेटिड्स बने, क्रोमेटिड्स की डुप्लीकेशन हुई थी, वहाँ पर जो है आपस में बनाया गया था, उनको जोड़ा गया था आपस में। तो इसका सही आंसर आएगा सी, एस फेस। बट जो कोहेशन है वो अलग कौन से फेस में होता है, तो वो होता है एम फेस के अंदर। याद रखिएगा इसकी डिजॉल्व कब होता है ये, ठीक है, या इसकी डिग्रेडेशन हम लोग कह सकते हैं कब होगी, एम फेस के अंदर। तो ये रहा हमारा जो है TSSB के ऊपर आज की 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है, होप आप लोगों को समझ आए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।